हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सो एजुकेशन दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर 2024 का पेपर हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर टू को तो आज के इस वीडियो में पेपर टू में आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर सही हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है तो उनमें हम ऑफिशियल आंसर की के आने का वेट करेंगे आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस तो देखो स्टार्च के डाइजेशन की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि सलाइवा में कौन सा ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च का डाइजेशन कराता है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है अमाइलिस ऑप्शन बी है प्रोटीज ऑप्शन सी है ग्लूकोज ऑक्सीडेज और ऑप्शन डी है कार्बो तो देखिए यहां पर राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दैट इज अमाइलिस इवरी एमाइलेज यहां पर प्रेजेंट होता है जिसको आप टाइलिन के नाम से भी जानते हो ये डाइजेस्ट कराता है स्टार्च को स्टार्च को सबसे पहले ब्रेक डाउन कराने का काम करता है थ्रू आउट द जो हमारा जी आई ट्रैक्ट होता है उसमें सबसे पहला डाइजेशन स्टार्च का वो हमारा होता है ओरल कैविटी में ठीक है आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ तो द फॉलोइंग डेयरी प्रोडक्ट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स तो देखो यहां पर प्रोबायोटिक्स की बात किया है इसका मतलब यह है कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें कि लाइव माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में पूछ रहा है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है बटर ऑप्शन बी है चटार चीज ऑप्शन सी है ग्रीक योगर्ट और ऑप्शन डी है आइसक्रीम तो देखो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज ग्रीक योगर्ट विल बी द राइट आंसर ग्रीक योगर्ट जो होता है उसमें लाइव माइक्रोव प्रेजेंट होते हैं स्पेशली अगर हम बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज हैं या फिर जो बिफिडो बैक्टीरियम होते हैं वो सब बैक्टीरियाज यहां पर प्रेजेंट होते हैं और ये एक्ट करते हैं एज अ प्रोबायोटिक दैट इज लिविंग माइक्रोब माइक्रोविच आर वेरी यूजफुल फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स प्रोवाइड्स द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी तो इधर दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ऑप्शन ए कह रहा है कि मिल्क एंड चीज ऑप्शन बी है मीट ग्रुप ऑप्शन सी है फैट्स ऑयल्स एंड स्वीट्स ऑप्शन डी है ब्रेड्स एंड सीरियल्स तो देखो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट देता है इन ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट के सबसे बेस्ट सोर्स कौन से हैं तो ऑप्शन डी दैट इज ब्रेड्स एंड सीरियल्स आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखो ऑप्शन सी में अगर हम बात करेंगे तो फैट्स ऑयल्स और स्वीट्स आता है फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि जितना अमाउंट हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है उसमें से मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं हमारे बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है उसका 60 टू 70 परसेंट अकेले कार्बोहाइड्रेट या उससे रिलेटेड फूड्स करते हैं तो यहां पर काब से रिलेटेड जो भी फूड हैं जो कि प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से बिलोंग करते हैं हम उनको यहां पर टिक मार्क करेंगे इसलिए राइट right आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दैट इज ब्रेड्स एंड सीरियल्स क्लियर है आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने है द मेजर अमीनो एसिड प्रेजेंट इन टी लीव्स इज टी लीव्स अगर हम बात करें कि मेजर अमीनो एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है तो ऑप्शंस आपके सामने क्या है ऑप्शन ए है वेलिन ऑप्शन बी है हैिन ऑप्शन सी है ल्यूसिन और ऑप्शन डी है फिनाइल तो देखो यहां पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दैट इज विल बी द राइट आंसर क्लियर आगे चलते हैं हम लोग देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉन क्लाइमेक्ट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट देखो नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि जब आप उनको हार्वेस्ट कर देते हो उसके बाद उनकी राइपनिंग स्टॉप हो जाती है सीज कर जाती है तो इनमें कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप के होते हैं इसकी बात की जा रही है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है पाइन बी है लीची सी है ग्रेप एंड डी है ऑल ऑफ द तो देखो यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा डी दैट इज ऑल ऑफ द जितने भी आपके फ्रूट्स दिए हुए हैं सबके सब नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं आगे चलते हैं अब देखिए यहां पर बात की जा रही है सिक्स क्वेश्चन में एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू फूड इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल फूड रिस्पॉन्स अगर आप किसी भी फूड को कंज्यूम करते हो और आपकी बॉडी एबनॉर्मली रिस्पॉन्स करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है फूड एलर्जी बी है सेप्सिस सी है फूड फ्यूजन डी है इन्फ्लेमेशन तो देखो राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दैट इज फूड एलर्जी क्लियर है आगे चलते हैं हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि टर्मरिक इज अ टर्मरिक क्या होता है ऑप्शंस आपके सामने हैं ऑप्शन ए है ट्यूबर बी है राइजोम सी है मॉडिफाइड रूट डी है स्टेम तो देखो टर्मरिक एक स्टेम तो होती है बट वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है राइजोम कहलाता है इस वजह से यहां पर राइट right आंसर क्या होगा बी दैट इज राइजोम देखो कई लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होगा स्टेम में तो स्टेम जब अंडरग्राउंड होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग राइजोम बोलते हैं इस वजह से इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन बी आगे चलते हैं देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन फूड एडल्ट्रेशन का क्या एग्जाम्पल है इनमें से ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए कह रहा है कि एडिंग मोर विटमिन सीरियल ऑप्शन बी कह रहा है डायल्यूटिंग हनी विद वाटर ऑप्शन सी कह रहा है एडिंग एक्स्ट्रा शुगर टू बीवरेज ऑप्शन डी कह रहा है इंक्रीजिंग द फाइबर कॉन्टेंट इन ब्रेड तो देखो यहां पर राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दैट इज डाइल्यूटिंग हनी विद जब भी अडल्ट्रेशन किया जाता है तो क्यों किया जाता है इसको इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी फूड प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाया जा सके और उसकी क्वालिटी को कम कर दिया जाता है यहां पर जिससे कि वैल्यू इंक्रीज हो जाए और इसका राइट right आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज डाइल्यूटिंग हनी विद वॉटर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नाइन में है कि रैंसिड फ्लेवर इन मिल्क इज प्राइमरीली ड्यू टू मिल्क में जो रैनसिड फ्लेवर आता है वो किस वजह से आता है ऑप्शंस आपके सामने ऑप्शन ए है कैप्रोइक एसिड बी है ब्यूटारिक एसिड सी है पामिटिक एसिड और डी है स्टीयरिक एसिड देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज ब्यूटैरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैंसिड फ्लेवर इन मिल्क क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है कि शुगर इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स देखो फ्रूट्स में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है इसकी बात की जा रही है, है, fructose, है, है, glucose, है तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने ऑप्शन ए है फ्रक्टोज ऑप्शन बी है गलेक्टोज ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है लेटोज तो देखो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज फ्रक्टोज जब भी हम यहां पर कार्बोहाइड्रेट की क्लास लेते हैं तो वहां पर फ्रक्टोज आते ही हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि फ्रक्टोज का नाम फ्रूट के ही बेसिस पे पड़ा है फ्रूट का शुरुआत का तीन वर्ड जो होता है वही फ्रक्टोज का भी शुरुआत का तीन वर्ड है इसीलिए फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं क्लियर है आगे चलते हैं देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर इलेवन इसमें पूछ रहा है रिफ्रेक्टोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन रिफ्रेक्टोमीटर से हम क्या डिटरमाइन करते हैं ऑप्शंस आपके सामने ऑप्शन ए है मिनरल्स ऑप्शन बी है एसिडिटी ऑप्शन सी है टीएसएस, ऑप्शन डी है विटमिन तो देखो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज टीएसएस टीएसएस होता है टोटल सॉलिबल सॉलिड टोटल सॉल्युबल सॉलिड को डिटरमाइन करने के लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हैं और डिग्री ब्रिक्स में यहां पर यूनिट्स आती हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में कितना अमाउंट ऑफ टोटल सॉल्युबल सॉलिड है या इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो कितना अमाउंट ऑफ शुगर है क्लियर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है यहाँ पर कि विच फॉलो विच प्रोसेस इन्वॉल्व सेपरेटिंग द फैट फ्रॉम मिल्क टू क्रिएट अ लोअर फैट डेयरी प्रोडक्ट देखो जब आप मिल्क से फैट को एक्सट्रैक्ट करते हो तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हो जिससे कि आपका जो मिल्क प्रोडक्ट बन रहा है वो लो क्वांटिटी ऑफ फैट का हो प्रोसेस की अगर हम बात करें ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है ऑप्शन ए कह रहा है फोर्टिफिकेशन ऑप्शन बी कह रहा है कंडेंसेशन ऑप्शन सी इज फर्मेंटेशन ऑप्शन डी इज स्किमिंग तो देखो यहां पर राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन डी दैट इज स्किमिंग विल बी द राइट आंसर क्लियर स्किमिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम फैट एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे मिल्क से या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन है करक्यूमिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम करक्यूमिन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसकी बात की जा रही है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है टर्मरिक ऑप्शन बी है कैप्सिकम ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है नट. तो देखो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज टर्मरिक टर्मरिक में करक्यूमिन पाया जाता है जो कि इसके बीटर टेस्ट एज वेल एज इसका जो डिस्टिंग फ्लेवर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो भी करक्यूमिन ही होता है क्लियर अगले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में पूछ रहा है कि विस टाइप ऑफ फैट इज कंसिडर्ड हेल्दी फॉर द हार्ट हार्ट के लिए कौन सा यहां पर फैट हेल्दी माना जाता है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए इज सैचुरेटेड फैट ऑप्शन बी इज ट्रांस फैट ऑप्शन सी मोनो अनसेचुरटेड फैट एंड ऑप्शन डीज पॉली अनसेचुरटेड फैट तो देखो यहां पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी दैट इज पॉली अनसेचुरटेड फैट एक्चुअली जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अच्छी हार्ट की हेल्थ के लिए और ज्यादातर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स आते हैं पॉलीअनसेचुरेटेड फैट की कैटेगरी से क्लियर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन की जा रही है देखो यहां पर ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए सोडियम ऑप्शन बी इज पोटेशियम ऑप्शन सी इज कैल्शियम एंड ऑप्शन डी इज मैग्नीशियम इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज मैग्नीशियम ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग के लिए क्लियर है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन में कर रहा है कि दी विटामिन यूजुअली एडेड टू मिल्क फॉर द पर्पस ऑफ फोर्टिफिकेशन इज मिल्क में कौन से विटामिन को ऐड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑप्शंस आपके सामने हैं ऑप्शन ए है विटामिन ए ऑप्शन बी है विटामिन बी ट्वेल्व ऑप्शन सी है विटामिन डी ऑप्शन डी है विटामिन ई e. तो देखो मिल्क में दोनों विटामिन को एड किया जाता है दैट इज ऑप्शन ए दैट इज विटामिन ए एंड ऑप्शन सी दैट इज विटामिन डी तो यहां पर बोथ तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं मोस्ट अप्रोप्रिएट भी हमको यहां पर कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है हम यहाँ पर ये सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि हम विटामिन डी को ही ऐड करते हैं या फिर विटामिन ए को ही ऐड करते हैं तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है जिन्होंने विटामिन ए लगाया है अगर ऑफिशियल आंसर की में विटामिन डी आता है आंसर तो आपको क्लेम करना है जिन्होंने विटामिन डी लगाया है अगर ऑफिशियल आंसर की में विटामिन ए आता है आंसर तब आपको भी क्लेम करना है अगर आप क्लेम करोगे आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा और आपको मार्क्स मिलेंगे क्लियर है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन जिसमें बात की जा रही है इंप्रूवमेंट इन विपिंग क्वालिटी ऑफ ड्राइड एग वाइट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय जब भी आप विपिंग क्वालिटी ऑफ ड्राइड एग वाइट की बात करते हो तो वहां पर अगर आप विपिंग क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कौन से एंजाइम्स का यूज करना पड़ेगा बेसिकली यहां ये बात हो रही है ऑप्शंस देख लेते हैं ऑप्शन ए है सेल्युलेज ऑप्शन बी है फ्लेवर एंजाइम्स ऑप्शन सी है लाइपेजेस ऑप्शन डी है कैटलेजेस तो देखो यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी दैट इज लाइपेजेस लाइपेजेस को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो आपका यहां पर एक के यॉक का पोर्शन होता है उसमें का जो फैट पोर्शन है उसको हम कम कर सकें जिससे कि व्पिंग क्वालिटी को इंप्रूव कर सके बढ़ा सकें क्लियर है इस वजह से यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लाइपेज ही होगा ठीक है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन कोला ड्रिंक तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था कोला ड्रिंक के बारे में इससे पहले भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है मेलिक एसिड ऑप्शन बी है टाटरिक एसिड ऑप्शन सी है फॉस्फोरिक एसिड और ऑप्शन डी है एसेटिक एसिड तो यहां पर राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी दट इज फॉस्फोरिक एसिड कोला ड्रिंक्स जो होती हैं जितनी भी ब्लैक कलर की पीने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें फॉस्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है और लेमन कंटेनिंग जितनी भी होती हैं जिनमें लेमन फ्लेवर आता है उसमें जनरली सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है क्लियर है अगर यहां पर कोला ड्रिंक की बजाय सॉफ्ट ड्रिंक्स होता और ऑप्शन में सिट्रिक एसिड होता तो सिट्रिक एसिड यहां पर सही ऑप्शन होता क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म गुड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल हम किसे कंसीडर करते हैं इसकी बात की जा रही है ऑप्शन आपके सामने हैं ऑप्शन ए इज एल डी एल ऑप्शन बी इज एच डी एल ऑप्शन सी इज वीएल एंड ऑप्शन डी इज ट्राइग्लिसराइड्स तो देखो यहां पर राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी दैट दे इजडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको लीवर तक ले जाने में तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल को कोई भी चीजें रिमूव करती है तो उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर करते हैं इस वजह से यहां पर एसडीएल विल बी द राइट आंसर क्लियर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में कह रहा है कि बी एमआर स्टैंड फॉर बीएमआर का फुल फॉर्म बेसिकली यहां पर आपसे पूछ रहा है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है बॉडी मेटाबॉलिक रेट ऑप्शन बी है बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑप्शन सी है बॉडी मास रेशियो ऑप्शन डी है बॉडी मेजरमेंट रेट तो देखो यहां पर राइट right आंसर होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज ऑप्शन बी क्लियर है आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में कह रहा है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन एच इज विटामिन एच किसे बोलते हैं ऑप्शन आपसे पूछ रहा है ऑप्शन ए है रेटिनॉल ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल ऑप्शन सी है टोकोफेरॉल ऑप्शन डी है बायोटिन तो देखो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी विटामिन वाली क्लास में डिस्कस किया था विटामिन एच किस लिए बोलते हैं एच फॉर हार एज वेल एज हॉट होता है हार फॉर हेयर एंड हॉट फॉर स्किन कंसीडर किया जाता है तो हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन बी सेवन और विटामिन बी सेवन का केमिकल नेम क्या होता है बायोटिन होता है तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर क्लियर है आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी फूड ग्रुप्स आर इन द फूड पिरामिड फूड पिरामिड में कितने फूड ग्रुप्स होते हैं तो देखो फूड पिरामिड जो लेटेस्ट अभी आपका आईसीएमआर का फूड पिरामिड है जो कि अभी हाल ही में रिलीज किया गया है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में उसके अकॉर्डिंग फूड ग्रुप्स टोटल टेन हो चुके हैं लेकिन जेपीएससी इतनी अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जेपीएससी का जो डेटा है वो थोड़ा सा पुराना है पुराने डेटा के हिसाब से अगर हम यहां पर ऑप्शंस को टिक करेंगे तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज फाइव फूड ग्रुप्स तो आईसीएमआर का जो पहले का फाइव फूड ग्रुप था उसको यहां पर कंसीडर किया गया है टेन फूड ग्रुप यहां पर ऑप्शन में भी नहीं है इसलिए हम यहां पर किसी और ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते हैं क्लियर है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पर ट्वेंटी थ्री द मेजर प्रोटीन इन कॉर्न इज कॉर्न में मेजर प्रोटीन क्या होता है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए एज ओरिन ऑप्शन बी इज ग्लूटेनिन ऑप्शन सी इज हॉर्डेनि एंड ऑप्शन डी इज जीन तो देखो कॉन में यहां पर जो मेजर प्रोटीन होता है वो है जीन क्लियर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की अगर हम बात करें तो यहां पे पूछ रहा है ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन जिंजर जिंजर में क्या प्रेजेंट होता है ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है यूजिनॉल ऑप्शन बी है ऑलियोरेजेंस ऑप्शन सी है टर्पिनइड एंड ऑप्शन डी है एलिसिन तो देखो जिंजर में अगर हम प्राइमेरी बात करें तो जिंजरऑल प्रेजेंट होता है जिंजरऑल यहां पर आपको ऑप्शन में दिया नहीं गया है और शोएजॉल प्रेजेंट होता है ये दोनों आपके ऑप्शंस में नहीं है अगर हम इनकी बात करें कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो ये दोनों बिलोंग करते हैं ऑलियो रेजन की कैटेगरी से इसलिए यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी देखो कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि वर्क करते हैं एज अ टर्पीनॉइड्स तो बहुत ही थोड़े ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि टर्पीनॉइड की कैटेगरी से आते हैं और वो भी प्रेजेंट होते हैं जिंजर में बट यहां पर अगर हम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी दैट इज ऑलियो रेजन विल बी द राइट आंसर क्लियर है आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपसे पूछ रहा है कि कैरमेल्स यूज इन द बेकरी इंडस्ट्री शुड बी बेकरी इंडस्ट्री में जो कैरमे यूज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं बेसिकली यहां पर उनके चार्जेस की बात की जा रही है कि उनके ऊपर कैसा चार्ज रहता है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज ऑप्शन बी कह रहा है हाफ पॉजिटिवली एंड हाफ नेगेटिवली चार्ज ऑप्शन सी कह रहा है नेगेटिवली चार्ज और ऑप्शन डी कह रहा है न्यूट्रल तो देखो यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है बेकरी इंडस्ट्री में जो कैरेमल यूज होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज तो यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट right आंसर होगा और यही अगर ऑप्शंस में यहां पर बेकरी इंडस्ट्री की जगह सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री होती या फिर बीवरेज इंडस्ट्री होती तब आपका राइट right आंसर होता ऑप्शन सी दैट इज नेगेटिवली चार्ज क्लियर है तो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन ए दैट इज पॉजिटिवली चार्ज विल बी मोर पॉजिटिव आंसर क्लियर आगे चलते हैं हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है कि मिल्क मिल्क इज इन में क्या डेफिशिएंट होता है कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो कि नहीं पाए जाते बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है ऑप्शंस की अगर हम बात करें ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन डी ऑप्शन बी है विटामिन ए ऑप्शन सी है विटामिन बी ऑप्शन डी है विटामिन सी तो देखो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था लेक्चर में ऑलरेडी कि मिल्क जो होता है वो डेफिशियंट होता है विटामिन सी एज वेल एज आयरन में तो यहां पर मिनरल्स की बात तो करी नहीं गई है विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन सी यहां पर मिल्क में एबसेंट होता है इसलिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आपसे पूछ रहा है कि सॉफ्ट रॉट इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉज ड्यू टू फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो सॉफ्ट रॉट डिजीज होती है वो किसी की वजह से कॉज होती है कौन सा यहां पर पॉजिटिव माइक्रोब होता है तो यहां ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है पेनिसिलियम ऑप्शन बी कह रहा है एरवीनिया ऑप्शन सी है सैक्रोमाइसिस और ऑप्शन डी है एस्परजिलस. तो देखो जनरली यहां पर जो एरवीनिया होता है अगर उसकी स्पेशीज की बात करें तो ये हो रिस्पांसिबल होता है सॉफ्ट फ्रॉड के लिए इसलिए यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर क्लियर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आपसे पूछ रहा है कि इफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वॉश आफ्टर कटिंग जब आप किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को कटिंग करने के बाद वॉशिंग करते हो विच ऑफ सिचुएशन में कौन से विटमिन एंड सी एंड ऑप्शन डी है उन्हीं का लॉस होगा क्योंकि आप वॉशिंग करा रहे हो इस वजह से यहाँ पर जो विटामिन बी एंडमिन सी होते हैं दैट इज वाटर सॉल्युबल विटमिन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन कॉन्टेंट ऑफ

क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं बेसिकली इसकी बात की जा रही है ऑप्शन अगर हम बात करें ऑप्शन ए रहा है प्लानिंग ऑप्शन बी है मॉनिटरिंग ऑप्शन सी है प्रिवेंशन ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द तो देखो यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अब ये जितने भी स्टेप्स दिए हैं ये सबके सब पार्ट सब होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के क्लियर है आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी में आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी वैल्यू ऑफ वन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी वैल्यू कितनी होती है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है फोर पॉइंट वन किलो कैलरी ऑप्शन बी है एट किलो कैलरीज ऑप्शन सी है एट पॉइंट सिक्स किलो कैलरीज ऑप्शन डी है नाइन पॉइंट थ्री किलो कैलरीज तो देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज फोर पॉइंट वन किलो कैलरीज क्लियर है बहुत ईजी क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है आगे चलते हैं हम लोग देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में बोल रहा है कि मेजर बैक्टीरियो साइडल प्रोटीन इन एल्ब्यूमिन इज एल्ब्यूमिन में बोल रहा है कि कौन सा मेजर बैक्टीरियो साइडल प्रोटीन प्रेजेंट होता है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है फॉस्विटिन ऑप्शन बी है एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन्यूमिन

सेलिएक डिजीज में होता क्या है कि एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी जिसमें होता क्या है कि ग्लूटिन के कंज्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है ठीक है स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं तो इस वजह से यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दैट इज ग्लूटेन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि दी टॉक्सिक फैक्टर प्रेजेंट इन लाथायरसटाइवस स्पेश देखो लथायरसटाइवस जिसको हम लोग केसारी दाल के नाम से भी जानते हैं इसमें कौन सा टॉक्सिक फैक्टर प्रेजेंट होता है आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उसमें तो देखो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन डी दैट दैट इज इज बीटा अमीनो एलानिन बोआ इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया था तो इस वजह से यहां पर राइट right आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर क्लियर आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में आपसे पूछ रहा है कि आयोडीन वैल्यू ऑफ गिवन ऑयल सैंपल इज अ मेजर ऑफ आयोडीन वैल्यू किस चीज का मेजर करता है ठीक है ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है मीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड ऑप्शन बी है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑप्शन सी है फ्री फैटी एसिड और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द तो देखो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर क्या होगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्लियर आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में आपसे पूछ रहा है कि स्पाइरोलिना इज अ रिच सोर्स ऑफ ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटीन ऑप्शन बी है मिनरल ऑप्शन सी है विटामिन ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज तो देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रोटीन बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए दैट इज मिनरल्स एंड लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहां पर बोला है रिच सोर्स यहां पर सिर्फ सोर्स नहीं लिखा हुआ है रिच सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रिच सोर्स होता है इन सारे के सारे ऑप्शन का तो मिनरल्स का बहुत ज्यादा रिच सोर्स नहीं होता है सारे मिनरल्स यहां पर नहीं पाए जाते विटमिन की अगर हम बात करें तो सारे विटमिन नहीं पाए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर विटमिन है जो कि इसमें पाए जाते हैं अब देखो जो भी रिच सोर्सेज होते हैं जैसे कि अगर हम रागी की बात करें तो उसमें आयरन अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है तो इसकी इसका मतलब यह नहीं है ना कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए ही नहीं जाते हैं इसके साथ कुछ और चीजें भी पाई जाती हैं ऐसे ही अगर हम आमला की बात करें इंडियन गूसबेरी की तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है बट इसका मतलब यह नहीं कि उसमें बाकी की चीजें पाई ही नहीं जाती हैं इस वजह से यहां पर मोस्ट रिस्क की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए दैट इज प्रोटीन विल बी द राइट आंसर क्लियर है क्वेश्चन थर्टी सेवन आपसे करा कि विच मेथड इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट केमिकल अडल्ट्रेशन इन फूड केमिकल अल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं ऑप्शन ए है आपका सेंसरी वेलुएशन ऑप्शन बी है जीसी दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी ऑप्शन सी है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑप्शन डी है टेस्ट टेस्टिंग तो देखो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज जीसी गैस क्रोमेटोगी विल बी द राइट आंसर आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे पूछ रहा है लेसिथिन इज अ लेसिथिन क्या होता है इसकी बात पूछ रहा है यहां पर आपसे ऑप्शन ए है फॉस्फोलिपिड ऑप्शन बी है प्रोटीन ऑप्शन ऑप्शन सी है है विटामिन डी तो देखो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज फॉस्फोलिपिड इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से क्लासेज में कवर किया हुआ है आगे चलते हैं हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन यहां पर पूछ रहा है कि सेफ क्वालिटी फूड एसक्यू एफ वन थाउजेंड कोड इज डिजाइन स्पेशली फॉर एस एस क्यू एफ वन थाउजेंड यहां पर स्पेशली किस चीज के लिए डिजाइन किया जाता है ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑप्शन बी है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑप्शन सी है सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इनके लिए यहां पर एस क्यू एफ वन थाउजेंड कोड को फॉलो किया जाता है क्लियर है देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी आपसे पूछ रहा है कि दी रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस की वजह से रेड कलर इंपार्ट होता है टोमेटोज में ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए करा कैरोटीन ऑप्शन बी है लाइकोपीन ऑप्शन सी है एंथोसाइन और ऑप्शन डी है बिटेलिन यहां पर राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दट इज लाइकोपिन बी द राइट आंसर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछ रहा है कि विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड हार्मोन्स थायराइड हार्मोन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा मिनरल यहां पर नेसेसरी होता है ऑप्शन ए है आयरन बी है जिंक सी है आयोडीन और डी है मैग्नीशियम तो इसका राइट right आंसर क्या होगा सी दैट इज आयोडीन विल बी द राइट आंसर क्लियर है आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में आपसे पूछ रहा है कि विच गैस इज कॉमनली यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ पेरिशेबल फूड्स पेरिशेबल फूड को पैक करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन ए है ऑक्सीजन बी है कार्बन डाइऑक्साइड सी है नाइट्रोजन डी है हाइड्रोजन तो देखो यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन एक टाइप का इनर्ट गैस होता है किसी भी टाइप के पेरिशेबल फूड को अगर आपको पैक करना है तो आप नाइट्रोजन का यूज कर सकते हो यह किसी भी टाइप के कंपोनेंट से रिएक्ट नहीं करता है जिसकी वजह से आपका कंपोनेंट फ्रेश बना रहता है क्लियर है देखो क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कह रहा है कि डिसकलरेशन ऑफ मिल्क पाउडर ड्यूरिंग स्टोरेज इज ड्यू टू मिल्क पाउडर में डिसकलरेशन स्टोरेज के दौरान किसकी वजह से होता है ऑप्शंस आपके सामने ऑप्शन ए है कैरेमलाइजेशन बी है मलाड रिएक्शन सी है ऑटोक्सीडेशन डी है मॉइस्चर कॉन्टेंट तो देखो यहां पर राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दैट इज मलाड रिएक्शन विल बी द राइट आंसर

क्वेश्चन फोर्टी सिक्स में आपसे पूछ रहा है कि विच न्यूट्रिय इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी गट बैक्टीरिया हेल्दी गट बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए कौन से न्यूट्रिय रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पर बात हो रही है प्री बायोटिक की प्री बायोटिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी हेल्दी गट बैक्टीरिया के फूड के रूप में यूज होने के लिए ये अगर आपके गट में प्रेजेंट हैं तो प्रोबायोटिक आसानी से ग्रो करते रहते हैं क्लियर तो यहां पर प्रीबायोटिक क्या है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है फाइबर ऑप्शन बी है प्रोटीन ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है फैट यहां पर राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज फाइबर ये होता है एक टाइप का प्रीबायोटिक देखो क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछ रहा है कि द न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉसिबल होता है ऑप्शन ए है मैग्नीशियम ऑप्शन बी है विटामिन सी ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है कैल्शियम तो देखो यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज विटामिन बी ये रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी को मेच्योर करने के लिए और आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए विटमिन सी की अगर हम बात करें तो ये इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है किसमें इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बट कैसे ये रोल प्ले करती है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और आयरन जाकर के आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है लेकिन यहां पर अगर हम विटमिन बी की बात करें तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इस वजह से यहां पर राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ लो एसिड फूड लो एसिड फूड की कैटेगरी में कौन से यहां पर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स फॉल करते हैं ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है टोमेटो ऑप्शन बी है टर्निप ऑप्शन सी है कैरेट और ऑप्शन डी है कॉलीफ्लावर तो देखो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दैट इज कॉलीफ्लावर क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछ रहा है कि जीरो एनर्जी चैम्बर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जीरो एनर्जी चैम्बर किस प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है ऑप्शन ए है एवोपोरेटिव कूलिंग ऑप्शन बी है चार्ल्स लॉ ऑप्शन सी है थर्मोडाइनेमिक्स और ऑप्शन डी है बॉयल्स लॉ देखो यहां पर आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज एपोरेटिव कूलिंग जे जेड जो होता है जेडी सी ओ ये ऑपरेट करता है एवोपोरेटिव कूलिंग के प्रिंसिपल पर ठीक है देखो फिफ्टी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट इन अ मिनट एक मिनट में नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है थर्टी टू फोर्टी ऑप्शन बी है सेवन टू एटी ऑप्शन सी है हंड्रेड टू वन ट्वेंटी ऑप्शन डी है टू पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दैट इज टू देवेंटी ऐसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन झारखंड में पूछ लिए जाते हैं इसी तरह लास्ट टाइम में पूछ लिया था कि ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं इस बार इसने पूछा है कि ह्यूमन हार्ट बीट जो होती है वो पर मिनट कितनी होती है आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन में आपसे पूछ रहा है द मोस्ट कॉमन एडल्ट्रेंट फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल दिस वेजिटेबल ऑयल में सबसे कॉमन एडल्ट्रेंट कौन सा होता है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है पाम ऑयल ऑप्शन बी है मस्टर्ड ऑयल ऑप्शन सी है आर्जीमोन ऑयल ऑप्शन डी है मिनरल ऑयल तो देखा यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज आर्जीमोन ऑयल क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछ रहा है कि हाइपर कैलीमिया इज कंडीशन ऑफ हाइपर कलेमिया किस चीज की कंडीशन होती है ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है एलिवेटेड लेवल ऑफ पोटेशियम ऑप्शन बी है लोअर लेवल ऑफ पोटेशियम ऑप्शन सी है एलिवेटेड लेवल ऑफ कैल्शियम ऑप्शन डी है लोअर लेवल ऑफ कैल्शियम तो देखो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा यहां पर राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज एलिवेटेड लेवल ऑफ पोटेशियम क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक नाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबायोटिक नाइसिन का प्रोडक्शन कौन से माइक्रोब के द्वारा होता है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है एक्रोमोबैक्टर पेरोलेंस ऑप्शन बी है स्यूडोमोनास म्यूसीडोलेंस ऑप्शन सी है स्टेप्टोकोकस लेक्टिस ऑप्शन डी है स्यूडोमोनास ग्रेव्यूलेंस तो देखो यहां पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नाइसिन जो होता है इसका प्रोडक्शन कराता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ठीक है सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के थ्रू होता है देखो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तो हमारे सामने ऑप्शन में है नहीं इस वजह से जो हमारा लैक्टिस स्पीशीज है उसको अगर हम कंसिडर करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी दैट इज स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस क्लियर है तो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछ रहा है कि विच विटमिन इज नोन एज सनशाइन विटमिन सनशाइन शाइन विटमिन कौन से विटमिन को बोलते हैं ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है विटमिन ए ऑप्शन बी है विटमिन सी ऑप्शन सी है विटमिन डी ऑप्शन डी है विटमिन के तो देखो यहां पर राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज विटमिन डी और ये बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन एंड अगेन इसको बहुत ज्यादा बार पूछा गया है क्लियर है आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें तो यहां से पूछ रहा है कि द क्रिस्टल क्लियर लिक्विड बेस्ड बीवरेज कौन सा ऐसा लिक्विड बेस्ड बीवरेज है जो कि एकदम से क्रिस्टल क्लियर होता है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है स्क्वैश ऑप्शन बी है क्रश ऑप्शन सी सी है cordial, है ऑप्शन डी है आरटीएस so तो देखो यहां पर राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी दैट इज कॉर्डियल क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछ रहा है कि माइकोटॉक्सिंस आर माइकोटॉक्सेंस क्या होते हैं ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है फंगल मेटाबोलाइट्स ऑप्शन बी है बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स ऑप्शन सी है प्लांट पैरासाइट्स ऑप्शन डी है एंजाइम्स

लास्ट का जो ऑप्शन है आपका फॉस्फोलिपिड है यहां पर जो मिल्क की विस्कोसिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फैट एज वेल एज केसीन तो यहां पर राइट right आंसर क्या होगा आपका केसीन विल बी द राइट आंसर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट इनमें से प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है फ्रेश फ्रूट ऑप्शन बी है कैंड सूप ऑप्शन सी है वोल व्हीट ब्रेड ऑप्शन डी है स्टीम्ड वेजिटेबल्स तो देखो अभी अगर लेटेस्ट डेटा की बात की जाए तो वोल्ड वीट ब्रेड को कंसीडर किया गया है बट अभी ये कुछ दिनों पहले ही कंसीडर किया गया है इसके अलावा देखोगे आप तो इसमें से सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड जो है वो है आपका कैंड सूप इस वजह से यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट और राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज दैन सूप अगर किसी ने वोल्ड वीट ब्रेड को लगा रखा है तो आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि अभी अभी एफ ने इसको प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में रख दिया है क्लियर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है कि मोनेलिन एंड थॉमेटिन आर नेचुरल स्वीटनर्स दैट केमिकली फॉल अंडर तो देखो इसको भी हम लोगों ने स्वीटनर्स वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था टेबल के फॉर्म में पढ़ा था इसको कि ये क्या होते हैं अगर इनके नेचर की बात करें तो ये कौन से माइक्रोन्यूट्रिय की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज प्रोटीन ये होते हैं एक टाइप के प्रोटीन और ये होते हैं एक टाइप के स्वीटनर्स ठीक है आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे पूछ रहा है विस टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन इन हनी हनी में अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑप्शन बी कह रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पीसीआर ऑप्शन सी कह रहा है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्शन डी कह रहा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो देखो यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी का यूज किया जाता है जनरली फॉर डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन इन हनी क्लियर है आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डेरी मिल्क अल्टरनेटिव इनमें से नॉन डेयरी मिल्क अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं ऑप्शंस की अगर हम बात करें ऑप्शन ए है सोया मिल्क ऑप्शन बी है एलमंड मिल्क ऑप्शन सी है कोकोनट मिल्क ऑप्शन डी है ऑल तो देखो यहां पर ये यह जितने भी मिल्क आपको देख, देख रहे होंगे ये सबके सब नॉन डेयरी मिल्क है किसी का भी प्रोडक्शन एक्चुअल मिल्क से नहीं होता इस वजह से यहां पर राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू में आपसे पूछ रहा है कि टोकोफेरॉल इज द नेम ऑफ विच विटमिन टोकोफेरॉल हम किसे बोलते हैं तो देखो जब हम यहां पर विटमिन के लेक्चर्स को देख रहे हैं तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस किया था कि जो भी केमिकल नेम्स होते हैं आपको रट के जाने ही जाने हैं क्लियर है तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आपसे कह रहा है ऑप्शन ए इज विटाम बी ट्वेल्व ऑप्शन बी इज डी ऑप्शन सी इज विटामिन बी सिक्स ऑप्शन डी इज विटाम ई तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज विटाम ई इज नोन एज टोकोफेरॉल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एनिमल फैट एनिमल फैट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है एरसिक एसिड बी है पामिटिक एसिड सी है पामिटोलिक एसिड डी है लिनोलिक एसिड तो देखो यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा बी दैट इज पामिटिक एसिड ये प्रेजेंट होता है एनिमल फैट्स में भी ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर में आपसे पूछ रहा है कि बटर फ्लेवर इज ड्यू टू ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है अमोनिया ऑप्शन बी है इथाइली ऑप्शन सी है डायसिटाइल और ऑप्शन डी है वेनिलिन तो देखो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज डायसिटा ये रिस्पॉन्बल होता है बटर के डिस्टिंग फ्लेवर के लिए इसको भी हम लोगों ने अपनी क्लासेस में अच्छे से कवर किया हुआ है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे है विच फूड बॉर्न इलनेस इज एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ रॉ और अंडर कुक्ड शेल फिश जब भी आप अंडर कुक्ड या रॉ शेल फिश का कंजम्पशन करते हो तो उसकी उसमें कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं और आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं ऑप्शन की अगर हम बात करें ऑप्शन ए है बॉटोलिज्म ऑप्शन बी है नोरो वायरस ऑप्शन सी हेपेटाटिस ए ऑप्शन डी है इन्फेक्शन तो देखो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दैट इज नोरो बट कुछ सोर्सेज में ऐसा भी लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस ए भी कॉज करते हैं तो अगर आपके पास ऐसे रिलायबल सोर्सेज हैं जिसके सहारे आप क्लेम कर सकते हो तो आप यहां पर क्लेम कर सकते हो अगर आपने ऑप्शन सी को भी राइट right मार्क किया हुआ है तो क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स आपसे बोल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क जो होता है उसका रेंज की अगर हम बात करें तो ये होता है से के आसपास का तो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन ए दैट इज मोर देन वन क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन की अगर हम बात करें तो यहां पर पूछ रहा है कि वॉट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कंज्यूमर्स इन प्रिवेंटिंग फूड अडल्ट्रेशन जो हम हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं आप फूड अडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या रोल अदा कर सकते हो क्लियर ऑप्शन आपके सामने हैं ऑप्शन ए है टू इग्नोर सस्पीशियस फूड प्रोडक्ट क्या ऐसे सस्पिशियस फूड प्रोडक्ट को हमको इग्नोर कर देना चाहिए ऑप्शन बी है टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड अडल्ट्रेशन जहां भी अडल्ट्रेशन हुई है उसको आप रिपोर्ट करो ऑप्शन सी है टू बाय द चीपेस्ट फूड प्रोडक्ट क्या इसका ऑप्शन ये है कि हम लोग चीपेस्ट फूड प्रोडक्ट को बाय करने लगे और कहीं पर जाके रिपोर्ट भी ना करें ऑप्शन डी है टू ट्रस्ट फूड लेबल्स ब्लाइंडली इसमें कह रहा है कि जितने जो भी फूड लेबल में लिखा हुआ है उसको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड अडल्ट्रेशन अगर आपको लग रहा है कि यहां पर अडल्ट्रेशन हुआ है तो आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए जिससे कि यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो आकर के चेक करे और ये पता लगाए कि क्या इसमें अडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है आगे चलते हैं हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट आपसे पूछ रहा है कि हाई प्रेशर प्रोसेसिंग ऑफ फूड इन अ वेसल फॉलोज हाई प्रेशर प्रोसेसिंग किस चीज को फॉलो करता है बेसिकली कौन से रूल को फॉलो करता है इसकी बात की जा रही है

बट अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पर होता है आमला तो यहां पर रिचेस्ट सोर्स लिखा हुआ है यानी हमें पूरे वर्ल्ड में जो भी जितने भी सोर्सेज हैं उनको कंसिडर करना है तो उसके हिसाब से यहां पर ऑप्शन सी दैट इज बारबोस चेरी विल बी द राइट आंसर क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में पूछ रहा है कि प्रिकर्सर ऑफ नयासिन इज ना का प्रिकर्सर क्या होता है ऑप्शन आपके सामने हैं ऑप्शन ए इज टिप्टोफेन ऑप्शन बी इज ल्यूसिन ऑप्शन सी इज आइसोल्यूसिन और ऑप्शन डी है टाइरोसिन तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज चिप्टो इसको भी हम लोगों ने अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस में कवर किया हुआ है क्लियर है आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन आपसे पूछ रहा है कि लाइसिन एंड थ्रियोनिन आर एपसेंट इन लाइसिन और थ्रियोनिन किस में एबसेंट होता है ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है राइस ऑप्शन बी है वीट ऑप्शन सी है बार्ले और ऑप्शन डी है कॉर्न तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी सीरियल्स होते हैं उसमें लाइसिन और थ्रियोनिन एबसेंट होता है जितनी भी पल्स होती हैं उसमें मेथियोनिन एबसेंट होता है तो देखो यहां पर आपके सामने जो भी ऑप्शन है इनमें मेजोरिटी ऑफ ऑप्शन तो सीरियल्स हैं अगर हम बार्ले अकेले को हटा दें एक टाइप का क्या होता है बार्ले भी एक टाइप का सीरियल ही होता है कॉन भी सीरियल है राइस और व्हीट भी सीरियल है तो देखो तो तो यहां पर हम किसी भी आंसर के सामने परफेक्टली मार्क नहीं कर सकते हैं। जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई भी सही हो सकता है तो मे बी ये क्वेश्चन आपको बोनस मिल जाए मे बी यहां पर इस क्वेश्चन में सबको मार्क्स दे दिए जाएं क्लियर है अगर नहीं मिलता है आपको मार्क्स और किसी एक ऑप्शन के बेसिस पर आंसर की आती है तो आप उसको

ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है कि द एक्स इज मोर बाय एक जो होता है वो कौन से माइक्रोब के द्वारा मेनली होता है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया दैन मोल्ड ऑप्शन बी है बोल्स दैन बैक्टीरिया ऑप्शन सी है मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया बोथ ऑप्शन डी है नन ऑफ द दब तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा जो एक का स्पॉलिस देखा जाता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो आपके सेलमोनेला वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस वजह से यहां पर ऑप्शन ए दैट इज बैक्टीरिया देन विल बी द राइट आंसर क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में आपसे पूछ रहा है कि न्यूरोटॉक्सिसिटी इज न्यूरोज बाय विच पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गनिज्म कौन से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेजम की वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज होती है ऑप्शन ए इज सेलमोनेला स्पीशीज ऑप्शन बी इज सीजेला ऑप्शन सी इज क्लास्टेडियम बोटोनम ऑप्शन डी इज डीज एसिया तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी दैट इज क्लास्टेडियम विल बी द राइट आंसर क्लियर है कॉज करता है बॉटुलिज्म और बॉटुलिज्म जो होता है वो कॉज करता है आपका न्यूरल डिस्फंक्शन को तो यहां पर ये होता है एक टाइप का न्यूरोटॉक्सिन क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव की अगर हम बात करें तो यहां से पूछ रहा है दी मिनरल इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूड बैलेंस इन द बॉडीज जो फ्लूड बैलेंस हमारे बॉडी का होता है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है आयरन ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑप्शन सी इज सोडियम ऑप्शन डी इज जिंक तो देखो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन सी दैट इज सोडियम विल बी द राइट आंसर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स तो हेल्दी बोन को मेंटेन करने के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी बात की जा रही है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है आयरन बी है पोटेशियम सी है कैल्शियम एंड डी है जिंक तो देखो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन सी दैट इज कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी बोन क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन में आपसे पूछ रहा है कि अगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अगार को हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑप्शंस आपके सामने ऑप्शन ए है एलगी बी है फंजाई सी है बैक्टीरिया और डी है क्रॉप तो देखो आपको पता होगा कि अगार इज अ काइंड ऑफ रेड एलगी ठीक है ये एक टाइप की रेड एलगी होती है इसलिए यहां पर राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है प्रोटीन बी है विटामिन सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है मिनरल तो so, देखो आपको पता ही होगा कि मोस्टली 60 टू 70 परसेंट ऑफ टोटल कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी की होती है वो यहां पर फुलफिल करता है कार्बोहाइड्रेट इस वजह से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर क्लियर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे पूछ रहा है कि विच विटमिन इज नोन फॉर इज एंटी प्रॉपर्टीज कौन से विटामिन के पास एंटी प्रॉपर्टीज होती है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए इज वििन ए बी इज विटाम बी सी इज विटाम ई एंड डी इज विटाम के तो देखो यहां पर राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज विटामिन ई ये आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से क्या करता है बचाने का काम करता है इस वजह से ये होता है एक, एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी आपसे कह रहा है कि द टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग द ऑर्गेनिज्म इन इन स्पेसिफाइड मीडियम एट टू डिग्री फॉर और वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इज रिफर्ड एज तो देखो यहां पर आपसे कह रहा है कि जो टाइम होता है यहां पर आपसे कह रहा है कि कितने टाइम में कितना टाइम आपको चाहिए होता है फॉर डिस्ट्रॉइंग द माइक्रोब्स कितने डिग्री सेल्सियस पर 121 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है तो बेसिकली बात कर रहा है कि कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है आप उसको कौन सी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हो ऑप्शन ए है एफ वैल्यू बी है जेड वैल्यू सी है डी वैल्यू और डी है टी वैल्यू तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए दैट इज एफ वैल्यू क्लियर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि प्रोसेस करोस हीटिंग मिल्क टू अ हाई टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया जब भी आप मिल्क को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए तो कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ऑप्शन ए इज होमोजेनाइजेशन बी इज बीज सी इज फर्मेंटेशन एंड डी इज स्टेलाइजेशन तो देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया की बात किया है जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं अगर आपको सबको किल करना है हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल तब आपका यहां पर राइट आंसर होता है स्टेलाइजेशन लेकिन आपने सिर्फ हार्मफुल या पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल किया है इस वजह से आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दैट इज देशन क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपसे पूछ रहा है कि ब्रांडी ब्रांडी इज अ जो एक टाइप की एल्कोहलिक बीवरेज होती है उसका नेचर कैसा होता है ऑप्शन ए कह रहा है आपसे फर्मेंटेड बीवरेज ऑप्शन बी कह रहा है फर्मेंटेड एंड ब्रिउड बीवरेज ऑप्शन सी है ब्रिउड बीवरेज ऑप्शन डी है डिस्टिल्ड बीवरेज यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज डिस्टिल्ड बीवरेज क्लियर क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछ रहा है कि बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय द दे डेफिशिएंसी ऑफ किस विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होती है ऑप्शंस आपके सामने हैं ऑप्शन ए इज विटामिन बी इज इज विटामिन विटामिन सी एंड डी इज विटामिन बी थ्री तो आपको पता है कि जो थायामिन होता है दैट इज विटामिन बी वन इसकी डेफिशियंसी से डिफरेंट काइंड ऑफ बेरी बेरी कॉज होती है जैसे कि इन्फेंटाइल बेरी बेरी ड्राई बेरीबेरी वेट बेरी बेरी तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज विटामिन बी वन क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछ रहा है द चीफ मसल पिगमेंट इन मीट प्रोटीन इज मीट प्रोटीन में चीफ मसल पिगमेंट कौन सा होता है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए इज मायोसिन ऑप्शन बी इज ऑक्सी माओग्लोबिन ऑप्शन सी इज हिमोग्लोबिन ऑप्शन डी इज मायोग्लोबिन तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी दट इज मायोग्लोबिन विल बी द राइट आंसर क्लियर है क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बीएमआर आउट ऑफ द फॉलोइंग जितने भी आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से बीएमआर के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है Options आपके सामने ऑप्शन ए इज बी एम आर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्फेस एरिया ऑप्शन बी इज बीएम इज इनक्रीज इन वार्म क्लाइमेट ऑप्शन सी कह रहा है कि बी एम आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज ऑप्शन डी कह रहा है मेल्स हैव हायर देन फीमेल्स इसको समझते हैं थोड़ा सा ऑप्शन ए में है कि बीएमआर डायरेक्टली रिलेटेड होता है सर्फेस एरिया से तो बिल्कुल सही है जो टॉलर लोग होते हैं जिनका सर्फेस एरिया ज्यादा होता है उनका बीएमआर भी ज्यादा होगा तो हमको क्या पूछा है कि हमको यहां पर बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा ऑप्शन बी कह रहा है कि बीएमआर इज इंक्रीज इन वार्म क्लाइमेट तो हमने पढ़ा था ना कि 26 सिक्स डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर जा रहा है इनवायमेंट का टेम्परेचर तो बीएमआर क्या होता है बढ़ता है 26 सिक्स डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर इन्वाटल टेम्परेचर है तब भी बीएमआर बढ़ता है दोनों कंडीशन में बीएमआर पर इफेक्ट पड़ता है तो यहां पर क्या कह रहा है कि इंक्रीज होता है वार्म क्लाइमेट पे तो जितना ज्यादा वार्म आप क्लाइमेट को करोगे उतना ज्यादा बीएमआर भी इंक्रीज करेगा क्लियर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है कि बीएमआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बीएमआर घटेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है बीएमआर हाइएस्ट होता है कब जब इन्फेंटाइल स्टेज होती है किसी भी फीटस किसी भी छोटे बच्चे की उसके बाद क्या होता है कि बीएमआर घटना शुरू हो जाता है लेकिन जैसे ही एडल्ट पीरियड आता है फिर से बीएमआर जंप करता है और ऊपर जाता है ठीक है उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है कि घटता चला जाता है घटता चला जाता है ठीक है तो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हैं इसको ठीक है यहां पर शुरुआत में सबसे ज्यादा था जब नया नया चाइल्डहुड एज था उसके बाद कम हुआ फिर एडल्ट पीरियड जब आता है एडोलेसेंस आता है तो बीएमआर अचानक से जंप अप करता है फिर थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है कम होता चला जाता है तो ये हो जाएगा यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मेल हैव हायर देन मैच फीमेल्स इसका मतलब यह है कि सेम एज ग्रुप के अगर मेल और फीमेल है तो उनमें हायर बीएमआर मेल का होता है तो हाँ ये भी बात सही है तो देखो बहुत सारे लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर बी को टिक किया होगा अगर ऑफिशियल आंसर की ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है

तो देखो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एसिटिक एसिड ये रिस्पॉन्सिबल होता है विनेगर में टेस्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि विच तो देखो इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर हैवी मेटल स्पाइसेस में एज एन एडल्ट्रेंट पाया जाता है बट अगर इन सारे ऑप्शन की बात करें तो इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी दैट इज लेड जा रहा है फिर भी अगर किसी ने किसी और ऑप्शन को टिक किया हुआ है और आपके पास रिलायबल डेटा और सोर्सेज हैं, तो आप क्लेम करके वहां पर आप अपने किए हुए आंसर को सही ठहरा सकते हो क्लियर है अब देखते हैं कि फाइनली ऑफिशियल आंसर आंसर की इसका क्या रिलीज करती है आगे चलते हैं हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछ रहा है यू कैरियोटिक सेल में ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन मैट्रिक्स ऑप्शन बी साइटोसोल ऑप्शन सीज सेलब्रेन एंड ऑप्शन डी इज एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम तो देखो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है फैटी एसिड का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे कह रहा है कि एज पर मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर टीएसएस का कितना मिनिमम परसेंट होना चाहिए इसके साथ साथ फ्रूट पल्प या फ्रूट जूस जो होता है उसका कितना परसेंट होना चाहिए इसकी बात कर रहा है ऑप्शंस आपके सामने ऑप्शन ए इज 42 40 परसेंट एंड 25 परसेंट यानी टीएसएस फोर्टी है और यहां पर जो फ्रूट पल्प का कॉन्टेंट है वो ट्वेंटी है ऑप्शन बी कह रहा है 45 और 15 का ऑप्शन सी है 45 10 एंड ऑप्शन डी है 40 एंड 15 तो देखो तो यहां पर आपका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 40 परसेंट एंड 25 परसेंट क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछ रहा है कि विच विटवीन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन रोल प्ले करता है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए इज विटामिन ए ऑप्शन बीज विटविन बी ट्वेल्स ऑप्शन सी इज विटामिन सी ऑप्शन डी इज विटामिन डी तो देखो इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी दैट इज विटामिन डी आगे चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन आपसे पूछ रहा है द डाइट रिकमेंडेड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स इज हाइपर टेंसिव पेशेंट्स में कौन से डाइट को फॉलो करने के लिए रिकमेंडेशन किया जाता है ऑप्शन ए आपसे पूछ रहा है ब्रेड ऑप्शन बी है डैश ऑप्शन सी है लो प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है हाई फैट तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज डैश डैश का फुल फॉर्म होता है डायट्री अप्रोच टू स्टॉप हाइपर टेंशन क्लियर है आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे कह रहा है कि फूड एडिटिव इज कॉमनली एज फ्लेवर फ्लेवर के लिए कौन से फूड एडिटिव का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए इज कैराजिन ऑप्शन बी इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऑप्शन सी इज एस्पार्टेम एंड ऑप्शन डी इज सोडियम नाइट्रेट देखो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएस जिसको हम बोलते हैं इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्लेवर एनहेंसर क्लियर है आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे पूछ रहा है कि विच फूड एडिटिव इज कॉमनली यूज्ड एज लीवनिंग एजेंट इन बेकरी इंडस्ट्री बेकरी इंडस्ट्री में लीवनिंग एजेंट के रूप में कौन से फूड एडिटिव का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन सी है स्पार्टेम एंड ऑप्शन डी है सिट्रिक एसिड so, तो देखो तो 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 यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी दट इज सोडियम बाइकार्बोनेट विल बी द राइट आंसर क्लियर है क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछ रहा है अ क्लासिकल साइन ऑफ जिंक डेफिशियंज जिंक डेफिशिएंसी का क्या एक साइन होता है ये देखो ये एफ का एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपसे जेपीएससी में पूछा गया है ऑप्शंस आपके सामने ऑप्शन ए इज एनीमिया बी है गोइटर सी इज मोल्टेड टीथ डी है ग्रोथ रिटार्डेशन तो देखो यहां पर आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ग्रोथ रिटार्डेशन क्लियर है देखो क्वेश्चन नंबर नाइंटी में आपसे क्या पूछ रहा है कि वट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि इट शोज विच अदर न्यूट्रिय बींग इंजेस्टेड विद ऑप्शन बी कह रहा है कि इट शोज हाउ क्विकली अ कार्बोहाइड्रेट इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल ऑप्शन सी कह रहा है कि इट शोज हाउ क्विकली अ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड ऑप्शन डी कह रहा है कि नन ऑफ द मेंशन तो देखो जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था आपका जो पैकेजिंग एंड लेबलिंग वाला लेक्चर है यूट्यूब पे उस पर उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहां पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या बोलता है कि इट शोज हाउ क्विकली कितना जल्दी कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है बढ़ाने का काम करता है इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें रिकमेंड किया जाता है देखो क्वेश्चन नंबर 96 आपसे बोल रहा है कि फैट परसेंटेज इन मिल्क क्रीम इज मिल्क क्रीम में फैट परसेंट कितना होना चाहिए ऑप्शंस आपके सामने ऑप्शन ए इज 25 फाइव परसेंट बीज फोर्टी परसेंट सी इज 35 परसेंट एंड डी इज 60 परसेंट so, तो देखो यहां पर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीम के लिए ये सारे ऑप्शंस करेक्ट होते हैं अगर हम बात करें लो फैट क्रीम की लो फैट क्रीम की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो आपका राइट right आंसर होगा वो क्या होगा ट्वेंटी अगर हम बात करेंगे मीडियम फैट क्रीम की तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो कितना होगा फोर्टी अगर हम बात करें हाई फैट क्रीम की तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो कितना होगा 60 परसेंट हमको यहां पर कोई भी चीज मेंशन नहीं करी गई है कि कौन से मिल्क क्रीम की यहाँ पर बात की जा रही है क्या वो लो फैट क्रीम मिल्क है या फिर मीडियम आ, मिल्क क्रीम है या फिर हाई फैट मिल्क क्रीम है देखो तो थर्टी फाइव परसेंट होता है इसकी अगर हम बात करें तो जो आपके बीवरेज स्पेशली जो कॉफी वगैरह बनाई जाती है वो बनाई जाती है थर्टी फाइव परसेंट से और जो विप्ड क्रीम भी होती है उसका भी रेंज जो शुरू होता है वो नियर अबाउट थर्टी फाइव परसेंट से शुरू होता है ना हमको यहां पर विप्ड क्रीम बोला गया ना लो फैट क्रीम बोला गया ना मीडियम ना हाई फैट क्रीम तो आप जिस भी आंसर को यहाँ पर टिक किए हो उसको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ क्लेम कर सकते हो जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है तो फिर भी अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर इनमें से भी आपको चेक करना हो तो मेरे ख्याल से आपका जो थ्रेसोल्ड वैल्यू होता है मतलब मिनिमम कंटेंट जो होता है वो यहां पर राइट right आंसर मानना चाहिए ऑप्शन ए को राइट right आंसर मानना चाहिए बट फिर भी मैं यहां पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप इस क्वेश्चन को दोबारा से क्लेम कर सकते हो क्लियर है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे पूछ रहा है, तो रहा है कि विच फंगस इज यूज्ड फॉर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के, के लिए कौन से फंगस का यूज किया जाता है ऑप्शंस आपके सामने ऑप्शन ए इज फ्यूजेरियम मोनोलिफॉमी ऑप्शन बी इज राइजोपस और ऑप्शन सी इज एस्परजिलस टेरियस एंड ऑप्शन डी इज एस्परजिलस नाइजर तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दैट इज राइजोपस और विल बी द राइट आंसर इसका यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बाई डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई तो फंजाई यहां पर क्या होता है राइजोपस और होता है ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुकिंग टेक्निक रिटेन मोर न्यूट्रिएंट्स इन वेजिटेबल्स एज कंपेयर टू बॉइलिंग बॉइलिंग के कंपैरिजन में कौन सी टेक्निक ऐसी है जो कि ज्यादा न्यूट्रिएंट को रिटेन कर सकती है अगर आप किसी भी वेजिटेबल को कुक करते हो तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए इज बेकिंग ऑप्शन बी इज स्टीमिंग ऑप्शन सी इज फ्राइंग एंड ऑप्शन डी इज माइक्रोवेविंग तो देखो आपका राइट आंसर क्या होगा यहां पर ऑप्शन बी दट इज स्टीमिंग अगर आप स्टीमिंग करते हो तो यहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स और जो न्यूट्रिय होते हैं वो रिटेन होते हैं ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछ रहा है कि इनवर्ट शुगर इन फ्रूट जैम शुड नॉट बी मोर देन मतलब कितना मैक्सिमम परसेंट होना चाहिए इनवर्ट शुगर का फ्रूट जैम में उससे ज्यादा का अगर परसेंट हो गया तो उसमें ऑप्शन ए आपसे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज सेवेंटी परसेंट सेवेंटी से ज्यादा इनवर्ट शुगर नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए जैम में क्लियर है अगर ज्यादा प्रेजेंट हो गया तो उसमें डिफरेंट कॉज kind of कर सकता है आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर हंड्रेड जो है जो कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है द पर्पज ऑफ यूजिंग फूड एडिटिव लाइक इमलसी फायर इन फूड इमल्सिफायर का जब आप एज एन एडिटिव यूज करते हो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड में तो उसका मेन पर्पज क्या होता है ऑप्शन ए है टू इंप्रूव कलर ऑप्शन बी है टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ऑप्शन सी है टू इंप्रूव फ्लेवर ऑप्शन डी है टू इनक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दैट इज टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं अगर एक नॉन पोलर है एक पोलर है दोनों को आपको मिक्स करके रखना है ताकि वो दोनों सेपरेट ना होने पाए तो आपको यूज करना होता है इमलसीफायर ये दोनों को सेपरेट होने से बचाता है जिससे कि आपका जो इंग्रेडिएंट है वो भी एक साथ मिल करके रहेगा तो स्टूडेंट्स ये थे आज आपके टोटल हंड्रेड क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे गए पेपर नंबर टू ऑफ जेपीएससी ट्वेंटी में देखो जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करेक्ट हुए हों इस आंसर की के अकॉर्डिंग या हमारे दिए हुए आंसर के अकॉर्डिंग आप यहां पर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन या कितने नंबर्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर आंसर के हिसाब से और जितने भी क्वेश्चंस में हमने ये बोला है कि आप क्लेम कर सकते हो तो ऑफिशियल आंसर की का आप वेट करिए जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाती है उसके बाद आप क्लेम करके यहां पर जितने भी मार्क्स आपको अपटेन करने हैं वो आप कर सकते हो स्टूडेंट्स ये था आज आपका वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ अंटिल देन थैंक यू